गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपकी खुशबू खान और वेलकम बैक अगेन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा 4 टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर लेके आई हूं जो कि एक्नी प्रोन स्किन के लिए। जी हां, क्योंकि मेरी भी एक्नी प्रोन स्किन है, मुझे भी एक्नीस होते हैं, मुझे हार्मोनल इश्यूज है, इसकी वजह से मुझे एक्नी होते हैं। तो अगर आपको भी एक्नी होता है ना तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और सारे मॉइस्चराइजर्स की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप जाके प्राइस चेक कर सकते हैं या आप खुद के लिए एक ऑर्डर कर सकते हैं। फर्स्ट मॉइस्चराइजर ये है एपिसॉफ्ट का एसी मॉइस्चराइजर विद माइक्रो कैप्सुलेटेड सनस्क्रीन। ये मैंने आप लोगों को बहुत सारे मैंने वीडियोस अपने में दिखा चुका है कि काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है और इसका जो प्राइस आपको मिलेगा वो 438 रुपीज का है और ये बिल्कुल नॉन कॉन्डोमिजेनिक मॉइस्चराइजर है। हमें ज्यादातर नॉन कॉन्डोमिजेनिक मॉइस्चराइजर ही यूज करना चाहिए क्योंकि वो हमारे पोर्स को जो ब्लॉक नहीं करता है। तो ये फर्स्ट मॉइस्चराइजर है, इसका जो लाइट वेट, ये काफी लाइट वेट है, आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल हेवी भी फील नहीं करता है और इसके ऊपर आप मेकअप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड मॉइस्चराइजर है, उसका नाम आपने शायद कभी सुना नहीं होगा और ये काफी एडवर्टाइजमेंट पे भी नहीं आता, ये सारे एडवर्टाइजमेंट में नहीं आते बट ये काफी अच्छे हैं और ये है सुगंधा का व्हाइट लोटस मॉइस्चर। इसमें कुछ ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट है और हेलोरॉनिक एसिड है जो कि आपके स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करता है और काफी हेवी भी नहीं लगता। ये कुछ इस तरह पंप बॉटल में आता है और इसका जो प्राइस है कुछ ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है, इसका प्राइस है 750 रुपीज। तो ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है लेकिन अगर आपके स्किन की बात हो ना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो, है ना। तो अब चलते हैं अपने तीसरे मॉइस्चराइजर। आपने मेरा रिव्यू चेक किया होगा तो मैंने इस चीज का रिव्यू किया है, वो है विटामिन ई जो कि काफी बजट फ्रेंडली है। अगर आप वो दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो आप डायरेक्टली ये क्रीम आप खरीद सकते हो। इसका जो प्राइस है मैं आपको, इसका प्राइस मैंने बताया था 132 रुपीज। जी हाँ, काफी अफोर्डेबल है इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगी। इसमें विटामिन ई है जो कि आपके स्किन को जो है काफी अच्छा हाइड्रेट करता है और अंदर से रिजुनवेट करता है। तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये काफी अच्छा है, ये आप जरूर ले क्योंकि वो दोनों थोड़ा बहुत कॉस्टली और अगर 200 के अंदर अफोर्ड करना चाहते हो 135 रुपीज का आता है। यू बिलीव मी, विटामिन ई का मॉइस्चराइजर 135, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बल्कि ये क्रीम आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है और मैंने इसे बहुत यूज कर चुका है। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे तो यहां देख लीजिए, मैंने जो इसे काफी यूज कर चुका है मैंने। तो ये हुआ हमारा तीसरा मॉइस्चराइजर। चलिए हम चलते हैं फोर्थ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर जो है इसके बारे में काफी सेलिब्रिटीज ने बात की है और काफी लोगों के हैंडबैग से ये निकला है। ये है इमोलिन का ग्लाइकोल प्रोपिलीन ग्लाइकोल क्रीम। तो ये आपको कितने में आता है मुझे नहीं पता, 229 का आता है। ये भी काफी अफोर्डेबल है और ये एक ट्यूब काफी लंबा चलने वाला है, बिलीव मी मैंने इसे यूज किया और ये अभी भी यहाँ तक है। तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो अगर मुझे मेरा मूड के हिसाब से मैं मॉइस्चराइजर जो है यूज करती हूँ तो ये मुझे हमेशा मूड करता है कि मैं इसे यूज करूँ। मैं इसे नाइट टाइम भी एज ए मॉइस्चराइजर और एज ए नाइट क्रीम लगा के सोती हूँ, काफी अच्छा है और इसका ट्यूब देख रहे हैं आप काफी 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 अट्रैक्टिव है और ये कलर मुझे काफी पसंद है। और इसका जो मॉइस्चराइजर है बिल्कुल लाइट वेट है, ये आपको मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही साथ ऑयली इफेक्ट देता नहीं है जो कि ये क्रीम खास बात यही है और इससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो ये 4 मॉइस्चराइजर काफी अच्छे हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। मैंने 100 का दिखाया, 200 का दिखाया, 400 का दिखाया, 700 का दिखाया लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले कम बजट से शुरू करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो यूज करें और इससे बिल्कुल एक्ने प्रॉब्लम्स नहीं होते, एक्ने बिल्कुल ग्रो नहीं होता है। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है ना और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जिनमें मैं अपनी एक्ने के बारे में बात करने वाली हूँ और एक्ने के काफी अच्छे फाउंडेशंस, फेस वॉशेस सब कुछ बताने वाली हूँ जो कि एक्ने को काफी हील भी करता है और आपको देखने में काफी सुंदर भी लगोगे। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।